कर पाते हैं महंगाई के कारण, उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन देने का कार्य हमारा भोजन बैंक एनजीओ के द्वारा किया गया। और क्या ये क्या कार्यक्रम लगातार अभी ये साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों को 5 रुपए में दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल बदल बदल के साप्ताहिक में बदल बदल के खाना उनको देंगे, जिसमें हलवा भी है, दाल चावल है, सलाद है, अचार है, 5 रुपए उनको भरपेट भोजन कराएंगे। क्या टाइमिंग रहेगी और क्या टाइमिंग? 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग रहेगी। इटावा रेलवे स्टेशन पर इसका आयोजन किया जा रहा है तो लगातार यहीं पे चलता रहेगा। तो आपके द्वारा उसके लिए क्या काम किया गया है, क्या कोचिंग सिस्टम है, किस तरह से? 5 रुपए देके टोकन समझ लीजिए, 5 रुपए देके प्लेट लेके भरपेट भोजन आप कर सकते हैं। 5 रुपए में एक प्लेट में आप कितना भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि आपकी प्लेट में एक बार दे दिया आप दोबारा नहीं ले सकते हैं, आप जितना आप खा सकते हैं उतना 5 रुपए में खा सकते हैं। एक दिन में लगभग कितने लोगों का भोजन? एक दिन में लगभग आज के डेट के हिसाब से बताएं आपको, लगभग 200-300 लोग खा चुके हैं आज की डेट में खाना। लगातार अब इसको आगे ही बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ता है। आपके एनजीओ द्वारा और भी क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारे एनजीओ द्वारा जितने भी सामाजिक कार्य हैं सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी समस्याएं आ जाती है, रात को 12-12, 1-1 बजे लोगों को समस्याएं आई हैं, रेलवे स्टेशन पे बाहर के पैसेंजर आई हैं, रात के टाइम बीमारी के कारण वो डले, उनका कोई इलाज कराने वाला नहीं, हमारी टीम उनको ले जाकर मोतीगंज में एडमिट कराया, हम लोगों ने उनका इलाज। क्या ये खाने का स्टॉल भीड़ लगेगा या कुछ दिन अभी आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारी टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 100 लोग लगातार काम कर रहे हैं।